हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं सार्थक अंकों को जोड़ना और घटाना के बारे में। ठीक है, तो सार्थक अंकों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, फिर रिजल्ट कैसे लिखते हैं, इसके बारे में देखते हैं। जोड़ने या घटाने के बाद प्राप्त परिमाण में दशमलव की दाईं ओर जोड़ने या घटाने वाली संख्या भी जोड़ने या घटाने वाली किसी भी संख्या से अधिक अंक नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर आप सार्थक अंक को जोड़ और घटा रहे हैं तो पहले जो है आप जोड़ेंगे घटाएंगे, उसके बाद जो रिजल्ट प्राप्त होगा, परिणाम प्राप्त होगा, ठीक है, परिणाम में दशमलव के दाईं ओर जोड़ने या घटाने वाली किसी भी संख्या से अधिक अंक नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पे संख्या दिया गया है 12.11, 18.0 और 1.012। अब इनको आपने जोड़ लिया, ठीक है, आपने ऐड कर लिया इसको, यहाँ पे आपका 2 हो गया और यह 2 हो गया और 1 हो गया और 8, 2, 10, 11, 1, 1 हो गया, 1, 1, 2, 3 हो गया। ठीक है, अब जो है, अब इन तीनों नंबर जो दिए गए थे जोड़ने के लिए, उसमें दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं, तो दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है, इसमें 1 अंक है, इसमें 3 अंक है। ठीक है, अब आपको परिणाम लिखना है, या जो रिजल्ट आया है 31.122, तो दशमलव के बाद हम कितने अंक लिखें रिजल्ट आंसर को, दशमलव के बाद 3 अंक लिखें कि दशमलव के बाद 2 अंक लिखें, दशमलव के बाद 1 अंक लिखें, यह निर्धारित होगा यह जो दिए गए मान है उसमें दशमलव के बाद सबसे कम अंक कितने हैं। तो दशमलव के बाद इसमें 3 अंक है, इसमें 1 अंक है, इसमें 2 अंक है, सबसे कम है दशमलव के बाद 1 अंक, तो हम रिजल्ट जो है दशमलव के बाद 1 अंक में लिखेंगे। ठीक है, तो ऊपर दिए गए उदाहरण में 18.0 जो है में दशमलव के बाद केवल 1 अंक है, अतः परिणाम भी दशमलव के बाद एक ही अंक तक अर्थात 31.1 के रूप में व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, तो सार्थक अंक में जोड़ने और घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका आंसर लिखेंगे कैसे, तो लिखने के लिए हम दिए गए नंबर्स को देखेंगे और दशमलव के बाद जिसमें सबसे कम नंबर्स होंगे उतने नंबर ही आंसर में हम यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे आपने देखा यह नंबर दिए गए थे 12.11, 18.0, 1.012, इनको ऐड कर लिया गया। अब इसमें आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 अंक है, 3 अंक है, तो सबसे कम है 1 अंक, तो यहाँ पे आंसर जो है दशमलव के बाद एक ही अंक लेकर लिखेंगे, तो 31.1 जो होगा वह व्यक्त करेगा जो एक सही होगा सार्थक अंक के हिसाब से। अब आते हैं सार्थक अंक का गुणा या भाग, सार्थक अंक का गुणा और भाग कैसे करते हैं इसको समझा जाए। उन प्रांचलों के परिणाम में सार्थक अंक की संख्या उतनी होनी चाहिए जितनी न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि गुणा या भाग करने के बाद, ठीक है, सार्थक अंक की संख्या रिजल्ट में जो आंसर आपको देना है तो उसमें सार्थक अंक की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी की न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या में हो। ठीक है, जो न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या हो उसमें जितनी संख्या यूज होगी उतना संख्या में आपको आंसर भी लिख देना है। जैसे कि 2.5 × 1.25, इसका गुणा आप करेंगे तो आएगा 3.125। ठीक है, अब इसमें आप देखें 2.5 में 2 सार्थक अंक हैं और 1.25 में 3 सार्थक अंक हैं, तो सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या के रूप में आंसर लिखना है, अर्थात दशमलव के बाद 1 अंक का यूज करके आपको आंसर लिखना है। क्योंकि 2.5 में केवल 2 सार्थक अंक है इसलिए परिणाम में भी 2 सार्थक अंक होने चाहिए, तो आंसर कितना होगा 3.1 हो जाएगा। ठीक है, तो सार्थक अंकों को गुणा या भाग करने में उन प्रांचलों के परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या उतनी होनी चाहिए जितनी न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या में होती है। जैसे यहाँ पे 2.5 × 1.25, इसमें न्यूनतम सार्थक अंक 2 है तो आंसर भी आपका 2 अंक में होना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर आपका आया 3.125,
चूंकि 2.5 में केवल 2 सार्थक अंक है, इसलिए परिणाम में भी 2 सार्थक अंक होने चाहिए, अर्थात आंसर 3.1 होगा। जैसा उपरोक्त गणती प्रक्रिया में किया गया है, परिणाम को आवश्यक सार्थक अंकों तक व्यक्त करने के लिए संख्याओं के निकटतम में निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जैसे आपने 3.1 आंसर लिख दिया, ठीक है, तो इसके लिए परिणाम को आवश्यक सार्थक अंकों तक व्यक्त करने के लिए संख्याओं के निकटतम में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप संख्याओं के निकटतम मान को रखना चाह रहे हैं गुणा या भाग करने के बाद, तो आपको राउंडिंग ऑफ के नियम को पता होना चाहिए कि निकटतम मान तो आप लिख रहे हैं, दशमलव के बाद अंक को गायब कर रहे हैं, तो अंक को गायब करने के बाद जो आप लिख रहे हैं वह आप राउंडिंग ऑफ के नियम से लिखेंगे, निकटतम मान के नियम से लिखेंगे। तो राउंडिंग ऑफ के 3 नियम हैं, इसके आधार पर आप जो है निकटतम मान को लिखते हैं। पहला नियम है, यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक जिसे आपको हटाना है, यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक जिसे हटाना हो 5 से अधिक हो, यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 से अधिक हो, तो उससे पहले वाले अंक का मान 1 अधिक कर दिया जाता है। ठीक है, यदि सबसे दाईं वाले अंक का मान 5 से अधिक हो तो उसे पहले वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। जैसे यदि 1.386 में 6 को आपको हटाना है, तो यह 6 जो है 5 से अधिक है, तो 5 से अधिक 6 है तो इससे पहले वाले 8 में 1 अंक बढ़ा देंगे, 9 हो जाएगा। तो यदि 1.386 में 6 को हटाना हो तो हम निकटतम के पश्चात इसका आंसर 1.39 लिखेंगे, राउंडिंग ऑफ के बाद इसका आंसर 1.39 होगा, राउंडिंग ऑफ निकटतम का सूत्र लगाने के बाद, जो नियम है। ठीक है, तो यह कब होगा, जब हटने वाला संख्या जो है 5 से अधिक होगा तो उससे पहले वाले संख्या में एक ऐड कर देंगे, अगर कम हो तब क्या करेंगे। यदि दूसरा नंबर नियम देखें, यदि सबसे दाईं ओर को हटाया जाने वाला अंक 5 से कम हो तो उससे पहले वाले अंक को बदला नहीं जाएगा। ठीक है, यह दूसरा नियम है, यदि सबसे दाईं ओर का हटाया जाने वाला अंक 5 से कम हो तो उससे पहले वाले अंक को बदला नहीं जाएगा। जैसे कि 4.334 में यदि अंतिम अंक 4 को हटाना है, तो यह 4 जो है 5 से कम है, ठीक है, तो इसको आप हटा देंगे लेकिन इसके सामने वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आंसर होगा 4.33। ठीक है, तो 4.334 में यदि अंतिम 4 को हटाना हो तो परिणाम जो होगा वह 4.33 के रूप में लिखा जाएगा। लास्ट और इम्पॉर्टेंट नियम, यदि सबसे दाईं ओर को हटाया जाने वाला अंक 5 हो, ठीक है, अभी तक जो नियम आप पढ़े कि सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 से अधिक हो और सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 से कम हो, तब दो नियम आप देखें, अगर 5 से अधिक होगा तो अंक को हटाएंगे उसके सामने वाले में एक ऐड कर देंगे, यदि 5 से कम होगा तो अंक को हटाएंगे कुछ ऐड नहीं करना है, लेकिन यदि हटाए जाने वाला अंक 5 हो तब क्या करेंगे। यदि सबसे दाईं ओर को हटाया जाने वाला अंक 5 हो तो हम पहले उससे पहले वाले अंक को देखेंगे कि पहला वाला अंक जो है 5 के सामने वाला जो अंक है, ठीक है, 5 से पहले वाला जो अंक है वह सम संख्या है कि विषम संख्या है, 2 से कटने वाला है कि 2 से नहीं कटने वाला है, आड़ है कि इवन है। ठीक है, यदि सबसे दाईं ओर का हटाया जाने वाला अंक 5 हो तो उससे पहले, ठीक है, उससे पहला अंक सम होने की स्थिति में बदला नहीं जाएगा, अगर सम है तो बदला नहीं जाएगा, परंतु विषम होने पर एक बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, यदि सबसे दाईं ओर का हटाया जाने वाला अंक 5 हो और उससे पहला अंक सम हो तो उस स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, बदला नहीं जाएगा, परंतु अगर विषम हो तो एक बढ़ा दिया जाएगा। जैसे यदि 6.35 में 5 को हटाना है तो 5 से पहला जो है 3 है, तो 3 जो है संख्या क्या है, यह 3 जो है विषम संख्या है,
विषम संख्या है तो जब आप 5 को हटाएंगे तो 1 बढ़ जाएगा, अर्थात यह 3 का 4 हो जाएगा, 6.4 आंसर लिखेंगे। यदि 6.35 को 5 हटाकर निकटतम करना हो, राउंडिंग ऑफ करना हो, तो हमें 3 को बढ़ाकर 4 करना होगा और इसी प्रकार परिणाम 6.4 व्यक्त किया जाएगा, ठीक है। परंतु यदि 6.25 है, 6.25 है और इसका निकटतम करना है आपको, तो आप 5 को हटाएंगे तो इससे 2 है, इससे सामने के पहले क्या है 2 है और 2 सम संख्या है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसका आंसर 6.2 होगा। परंतु यदि 6.25 का निकटतम करना हो तो इसे 6.2 लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से नियम नंबर 3 में आपने देखा कि यदि सबसे दाईं ओर को हटाया जाने वाला अंक 5 हो तो उसे सामने वाले उससे पहले वाले अंक को देखते हैं, अगर वह सम है तो कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, अगर विषम है तो उसमें 1 ऐड करके आंसर लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था सार्थक अंकों के जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ चर्चा करेंगे बीमीय विश्लेषण के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।